दोस्तों बहुत सारे गांव के लोग होते हैं जिनका सपना होता है कि वो शहर में जाएं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और अच्छा खासा पैसा कमाएं, लेकिन कुछ नॉलेज की कमी के कारण, कुछ रिस्क की वजह से उनको ये नहीं पता होता कि शहर में जाके कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, किसके अंदर ज़्यादा मुनाफा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी है बिजनेस में लगाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किसके अंदर ज़्यादा स्कोप है, शहर में जाके कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो इस वजह से वो शहर में नहीं आ पाते और अच्छा बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। अगर कर भी पाते हैं तो वो या तो उस बिजनेस में फेल हो जाते हैं या फिर उसमें वो कम मुनाफा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 5 टॉप ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप कोई भी स्टेट के कोई भी गांव में रह रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो आप बड़े ही आराम से शहर में आके आप आराम से शुरू के अंदर तो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो, फिर उसके बाद से आप बड़े आराम से लाखों रुपये महीने कमा सकते हो। बस आपको 2 से 3 लाख रुपये का शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि 40 से 50 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करो और लाखों रुपये महीने कमाओ, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आपको शहर के अंदर आना है, बिजनेस करना है, तो शुरू में 2 से 3 लाख रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। शहर के अंदर आप आओगे तो बहुत सारा खर्चा होता है, इस वजह से कम 2 से 3 लाख रुपये तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं कुछ आपको बिजनेस ऐसे भी बताऊंगा जिसके अंदर आप 1 लाख रुपये से भी कम में आप इन्वेस्ट करके आप बिजनेस कर सकते हो, आपको शहर में बिजनेस करना ही है तो। लेकिन जो मैं आपको 2.5 से 3 लाख रुपये वाले जो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, जिसके अंदर जो बिजनेस बता रहा हूँ इन्वेस्ट करके, वो बड़े दमदार बिजनेस हैं और उसके अंदर स्कोप बहुत अच्छा है शहर के अंदर, और आप आराम से बड़े आराम से शुरू के अंदर तो 40-50 हज़ार रुपये कमा ही लोगे और बाद में आप लाखों रुपये महीने भी आराम से कमा सकते हो। तो आपको मैं इस वीडियो में 5 बिजनेस बताऊंगा ऐसे ही, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटर हंट टीवी में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको हिट कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देख पाएं। दोस्तों जो हमारा टॉप 5 बिजनेस आता है उसमें से नंबर 1 है डेयरी फार्मिंग। दोस्तों देखिए शहर के अंदर दूध, सब्जी, यहाँ तक कि हवा तक भी शुद्ध नहीं है, इसलिए शहर के अंदर शुद्ध चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और खासकर शुद्ध दूध की तो बहुत ज़्यादा शहर के अंदर डिमांड रहती है क्योंकि देने वाले बहुत कम हैं। इस वजह से लोगों को शहर के अंदर थैले का दूध पीना पड़ता है, और बहुत सारे लोग तो थैले के दूध को शुद्ध नहीं मानते हैं। अगर उनको शुद्ध दूध मिल जाए तो शहर के अंदर लोग 70-70, 80-90 रुपये लीटर तक देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप शुद्ध दूध प्रोवाइड करवा दोगे शहर के अंदर तो आप बड़े ही आराम से शुरू में तो 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो और बाद में आप लाखों रुपये महीने बड़े ही आराम से आप कमा सकते हो। आपको डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक ज़मीन चाहिए और कुछ भैंस चाहिए और एक हेल्पर चाहिए। आपको ये 3 चीज़ें चाहिए और आप बड़े आराम से 2 से 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं शहर के अंदर। देखिए दोस्तों आपके पास अगर बजट है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, अगर बजट नहीं है तो बड़े आराम से आप किराए से आप ज़मीन ले सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि शहर के अंदर ऐसी लोकेशन पर आपको ज़मीन लेनी है जहाँ उसकी रेट कम हो, वैल्यू कम हो और जो किराया है वो कम हो। वो आपको या तो शहर के आउटर में मिल जाएगा या फिर आप ढूंढोगे अलग अलग शहर में तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। देखिए दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि कैसे आप 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो इस डेयरी फार्मिंग से। देखिए अगर आप शुरू में 5 भैंस से स्टार्ट करते हैं और आपकी एक भैंस 10 लीटर दूध देती है, ठीक है, तो आपकी जो 5 भैंस है वो 50 लीटर दूध देगी पड़ेगा, और आप 70 रुपये के हिसाब से बेचोगे 1 लीटर दूध को तो 50 लीटर दूध आपका हो गया 3500 रुपये पड़ेगा और महीने का हो गया आपका 1,05,000 रुपये। 1,05,000 रुपये आप कमा सकते हैं जिसके अंदर से आप खर्चा काट दोगे, 20,000 रुपये आप किराए का काट दो, जो आप जमीन लोगे उसका रेंट का काट दो, ठीक है, 15,000 रुपये आप हेल्पर के काट दो, आपको 15,000 रुपये में हेल्पर मिल जाएगा आराम से, और जो चारा वगैरह होता है गाय भैंस का वो आप 20,000-25,000 जो भी आपको काटना है वो आप काट सकते हो। तो फिर आपको काट पीट के आपको 50,000 रुपये महीने का बड़े आराम से शुरू में आप कमा सकते हो डेयरी फार्मिंग करके। स्टार्टिंग में आप जहाँ भी लगाओगे, जो आपका आसपास का लोकेशन है वहाँ पे दूध सप्लाई कीजिए, फिर बाद में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उस इनकम को आप बिजनेस में लगा दीजिए, उससे आप और भैंस खरीद लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आप उसमें और भैंस खरीद लीजिए, आपका दूध दिन का और बढ़ जाएगा तो आप और एरिया बढ़ा पाओगे, तो आपका बिजनेस और भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो इस हिसाब से आप अपने धीरे धीरे लाख रुपये महीने आप कमा सकते हो इसके अंदर, और बड़े आराम से शुरू के अंदर तो 50,000 रुपये महीने कमा सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये 1 पॉइंट कवर होता है। तो दोस्तों जो सेकंड बिजनेस है अपना वो है सैलून का। देखिए दोस्तों हेयर कटिंग का बिजनेस ऐसा है जो कभी भी कहीं फेल नहीं हो सकता, चाहे गांव हो चाहे शहर। शहर के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्कोप रहता है इसलिए मैंने आपको ये बिजनेस बताया है। देखिए आप बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि सैलून का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप मानोगे नहीं, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग जो हेयर कटिंग का काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं और लाखों रुपये महीने बड़े आराम से कमा रहे हैं, और उनको खुद को कटिंग करना नहीं आती है, उन्होंने एम्प्लॉय लगा रखे हैं, एम्प्लॉय उनको कमा के दे रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए तभी आप सैलून की दुकान खोल सकते हैं। देखिए आप शुरू में एम्प्लॉय लगाइए, 3 एम्प्लॉय लगा के शुरू में काम कीजिए और वो आपके लिए कमा के देंगे, और बड़े आराम से आप शुरू के अंदर तो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं।
अब किस तरीके से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, शुरू के अंदर आप सपोज कीजिए 3 एम्प्लॉय रखते हो, ठीक है, और एक एम्प्लॉय आधे घंटे में एक कटिंग करके देता है, तो दिन का आप 15 कटिंग करके देगा, और 3 एम्प्लॉय फिर आपका 45 जन का कटिंग करके देंगे एक दिन का, और एक जन से आप 70 रुपये भी कटिंग कर लेते हो तो 45 इंटू 70 करूँ तो 3,150 रुपये पर डे का होता है, और महीने का होता है 94,500 रुपये। अब 94,500 रुपये में से आप खर्चा हटा दीजिए, एम्प्लॉय का खर्चा हटा दीजिए, उनकी सैलरी हटा दीजिए, देखिए आपको 10,000 से 12,000 रुपये में एक एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो अगर मैं 12,000 रुपये भी मानूँ तो 36,000 रुपये होता है 3 एम्प्लॉय का, तो 36,000 रुपये माइनस कर दीजिए आप 94,500 में से, ठीक है। और अगर आपने रेंट पे दुकान ली है तो रेंट का हटा दीजिए। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप खुद की दुकान खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो आप रेंट से दुकान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब पूछ कीजिए, आपने रेंट से दुकान ली है तो आपको रेंट और जो लाइट का बिल है वो मैं दोनों मिला के 20,000 रुपये माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो 36,000 और 20,000 में 94,500 में से माइनस कर देता हूँ, तो 38,500 रुपये आपके महीने का बचता है, तकरीबन 40,000 रुपये ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो शुरू में आप 40,000 रुपये महीने आप सैलून के बिजनेस से कमा सकते हैं, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर आप तक पहुँचेंगे, ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे एम्प्लॉय बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाखों रुपये महीने आराम से आप बाद में कमा सकते हैं शहर के अंदर, और आप इस सैलून का बिजनेस शहर के अंदर किसी भी लोकेशन पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह करना है, शहर के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि जहां आपका रेंट कम हो वहीं आपको ये बिजनेस शुरू कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अपना ये सैलून का बिजनेस कवर होता है। अब चलते हैं अपन अपने अगले बिजनेस पे। तो दोस्तों, जो अपना तीसरा बिजनेस है वो है आरओ वाटर सप्लाई का। देखिए दोस्तों, शहर के अंदर हर रोज ऑफिस, कोचिंग और दुकानें ये ऐसे हैं, इनको हर रोज पानी के कैंपर की जरूरत पड़ती है, जो शुद्ध ठंडा पानी आता है उसकी जरूरत पड़ती है। आप बड़े आराम से 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये वाला आरओ वाटर सप्लाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो 1.5 से 2 लाख रुपए का जो फिल्टर वाटर का जो प्लांट है वो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए में लग जाएगा, और आपको कुछ कैंपर की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आप 2 से 2.5 लाख रुपए में इन्वेस्ट करके बड़े आराम से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और शुरू के अंदर आप 50-60 हज़ार रुपये महीने बड़े आराम से कमा सकते हैं। अब किस तरीके से आप इसमें कमाओगे, किस तरीके से काम करना है आपको, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, वाटर सप्लाई के अंदर आप अगर शुरू के अंदर 150 कैंपर भी देते हो और 25 रुपये का एक कैंपर आता है, तो आप 3,750 रुपये तो पर डे का कमा लोगे, और महीने का होता है 1,12,500 रुपये। अब इसके अंदर से आप खर्चा हटा दीजिए, खर्चा देखिए, आपको एक हेल्पर चाहिएगा जो आपका पानी को भी उसके अंदर कैंपर के अंदर भर दे और आपको वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे, तो इसके लिए आपको एक हेल्पर चाहिएगा। हेल्पर आप 15,000 रुपये का मान लीजिए, ठीक है, आपको एक ऑलराउंडर हेल्पर लेकर आना पड़ेगा। और आपका जो लाइट का बिल आएगा, जो आप मोटर वगैरह चलाओगे पानी के लिए, तो आपका जो लाइट का बिल आएगा वो 10,000 रुपये महीने मान लीजिए, 10,000 रुपये माइनस कर दीजिए। और फिर आप उसके बाद आप जो जगह जहाँ भी लगाओगे उसका रेंट का खर्चा, ठीक है, और जो आप जिसके अंदर सप्लाई करोगे, चाहे छोटी पिकअप वैन हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर आप या तो आप खरीद सकते हैं, अगर आप चाहें तो पर डे के हिसाब से किराए से ले सकते हैं, तो उसका भी 15,000 रुपये का खर्चा मान लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसके अंदर से 15,000 एम्प्लॉय के, 10,000 रुपये लाइट बिल के, और 30,000 रुपये रेंट और ट्रक चार्ज के आप हटा दोगे, तो आपके पास बचेगा 57,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप शुरू के अंदर बड़े आराम से 55 से 60 हज़ार रुपये कैंपर के अंदर आप सप्लाई करके कमा सकते हैं, पानी सप्लाई करके कमा सकते हैं, और आपको कई सारे फिर बाद में आपको धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगेंगे, शादी पार्टियों में आप दे सकते हैं अपने पानी को, वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा शहर के अंदर, तो आप बड़े आराम से बाद में आप लाख रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर आपको 2 से 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, और लाख रुपये महीने आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और आपको इस मशीन का, अगर आपको चाहिए, ये जो फिल्टर वाटर की जो मशीन होती है, ये जो प्लांट लगाने की मशीन होती है, ये आपको चाहिए तो ये आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगी, इंडिया मार्ट से आप खरीद सकते हैं, आपको वहाँ जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 से 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और लाख रुपये महीने कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 से 2.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होगा, उनके पास 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये इतना होगा, लेकिन उनके लिए भी मैं ऐसा ही सिमिलर काम बता देता हूँ, वो उस बिजनेस को कर सकते हैं अगर उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर। तो देखिए, आपको मैं दूसरा जो इसके सिमिलर आपको जो बिजनेस है वो बताता हूँ, वो आता है टिफिन सर्विस सेंटर। जी हाँ दोस्तों, टिफिन सर्विस सेंटर आप शहर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से पढ़ने आते हैं, कई सारे लोग जॉब करने आते हैं, तो उनको टिफिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो हर रोज़ टिफिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो शुरू के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, 50 से 60 टिफिन लेके आना है, और खाने बनाने का कुछ सामान लेके आना है, ठीक है, गैस चूल्हा जो भी है, और आपको एक जगह लेनी है, और एक आपको हेल्पर रखना है। तो सपोज कीजिए, अगर आप 60 टिफिन भी पर डे का देते हैं, मतलब आपके पास 30 कस्टमर हैं
और वो सुबह शाम टिफिन लेते हैं आपसे, तो 60 टिफिन पर डे का हो गया। और एक टिफिन अगर आप 50 रुपये का देते हैं तो 60 इंटू 50 करो तो 3000 रुपये पर डे का होता है, और एक महीने का 90000 रुपये होता है। ठीक है दोस्तों, 90000 रुपये में से आप खर्चा हटा लीजिए। हेल्पर जो आपका होगा 12000 रुपये में, आपको 10-12000 रुपये में हेल्पर मिल जाएगा, वो हटा लीजिए। 12000 में माइनस कर देता हूँ हेल्पर का। और जो लाइट पेट्रोल जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे टिफिन को हर रोज़, जो पेट्रोल का खर्चा होगा, जो आप जहाँ भी बनाओगे लाइट का खर्चा होगा, 5000 उसको माइनस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो आपका जो रेंट होगा जगह का, वो आप 15000 रुपये वो माइनस कर लीजिए। ठीक है, और महीने का 20000 रुपये आपकी जो लागत होगी, आटा सब्जी जो भी लागत होगी, आप वो 20000 रुपये माइनस कर लीजिए। उसके बाद भी आपके पास 38000 रुपये महीने का बचता है खर्चा काट के। देखिए दोस्तों, आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है शहर के अंदर, और बड़े आराम से आप 38 से 40000 रुपये महीने का कमा सकते हो। और जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, हो सकता है कि आप 1,00,000 रुपये भी इसके अंदर कमा सको। दोस्तों, कम बजट वाले के लिए मैंने आपको ये एक सिमिलर बिजनेस बताया है। अगर कोई वाटर सप्लाई नहीं करना चाहता है तो टिफिन सर्विस सेंटर खोल सकता है। इन सब का बहुत ही स्कोप है शहर के अंदर, बड़े अच्छे से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ बिजनेस पे। तो दोस्तों, जो हमारा फोर्थ बिजनेस होगा वो होगा खाने पीने से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आप ब्रेकफास्ट की दुकान खोल सकते हैं, फास्ट फूड कॉर्नर खोल सकते हैं, जूस की दुकान खोल सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं शहर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, देखिए इन बिजनेस का भी शहर के अंदर बहुत अच्छा खासा स्कोप है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं शहर के अंदर पढ़ने आते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करने आते हैं शहर के अंदर, उनको हर रोज़ ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने आपको टिफिन का बताया था, जूस की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है शहर के अंदर। तो इसके अंदर अच्छा खासा स्कोप है, आप लो इन्वेस्टमेंट करके इनमें कम से कम 40 से 50000 रुपये महीने बड़े आराम से कमा सकते हैं। इसके अंदर आपको बस करना क्या होगा, आपको किराए से दुकान लेनी होगी अगर आपका बजट कम है। अगर बजट ज़्यादा है तो आप दुकान खरीद भी सकते हैं, लेकिन आपको दुकान ऐसी लोकेशन पर लेनी होगी जहाँ कोचिंग हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, इस तरीके से आपको ऐसे एरिया में आपको दुकान लेनी है जहाँ आपकी ज़्यादा चल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किराए से दुकान लीजिए, वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट की दुकान लगाइए, जूस की दुकान लगाइए, कुछ भी कीजिए, और इस तरह का आप खाने पीने का लगाओगे तो बड़े आराम से आप 40 से 50000 रुपये महीने कमा पाओगे। देखिए दोस्तों, आप इसमें एक काम भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा एरिया कॉलेज स्कूल या कुछ ऐसे ऑफिस के आसपास आपको दुकानें मिल रही है, महंगी दुकान मिल रही है किराए से, तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप छोटा मोटा मिनी ट्रक ले लीजिए सेकेंड हैंड। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी जूस की दुकान खोल सकते हैं, उसके अंदर आप ब्रेकफास्ट की दुकान खोल सकते हैं, उसको आप मतलब आपको जहाँ भी आपको लगाना है उसको बड़े आराम से जहाँ भी ले जाके आप बड़े आराम से उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस कंसेप्ट से ट्रक के अंदर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और आप इसके अंदर बड़े आराम से, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 40 से 50000 रुपये आप शहर के अंदर कमा लोगे, क्योंकि शहर के अंदर हर चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं आपको जो भी ये बिजनेस बता रहा हूँ, ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनका शहर के अंदर स्कोप है और कंपटीशन कम है। और दोस्तों, जो अपना पांचवा लास्ट बिजनेस है वो है, या तो आप शहर के अंदर छोटी मोटी मशीन लगा के थर्माकोल के प्लेट्स जो होते हैं वो बना सकते हैं, और जो चाय के कप होते हैं वो बना सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी मशीन लगा के शहर के अंदर बड़े आराम से आप शुरुआत में 40 से 50000 रुपये तो बड़े आराम से कमा सकते हैं, और बाद में भी आप 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। बस डिपेंड करता है आपका मार्केट कितना है और मार्केट आपका कौन सा है। जैसे जैसे आपका मार्केट बढ़ेगा, जैसे वैसे वैसे आप 1,00,000 रुपये महीने बड़े आराम से इस बिजनेस में कमा सकते हैं। आपको इसमें करना क्या होगा, 2 से 3 लाख रुपये की मशीन आती है थर्माकोल की, थर्माकोल की जो प्लेट्स होती है वो बनाने की मशीन आती है, वो आप मशीन ले आइए। ठीक है, और चाय के कप बनाने की मशीन आती है, वो भी 2-3 लाख रुपये की आपको मिल जाएगी, वो आप एक छोटी सी जगह ले लीजिए, छोटी सी जगह में आपको ये मशीन लग जाएगी क्योंकि छोटी सी मशीन आती है। ठीक है, तो आप थर्माकोल की प्लेट बनाइए, और थर्माकोल की प्लेटों की शहर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और थर्माकोल की प्लेट आप आराम से बेचिए, चाय के कप बेचिए, बना के खुद का ही प्रोडक्शन होगा, और आप खुद अपने हिसाब से कोई से भी मार्केट में जाके बेच सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा डिमांड आएगी तो आप एक मशीन की जगह 2 मशीन लगा लीजिए। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1,00,000 रुपये महीने तो बड़े आराम से इसके अंदर कमा सकते हैं, और शुरू में तो 40-50 हज़ार रुपये तो आप आराम से इसमें कमाई लोगे। दोस्तों, आपको ये मशीनें बड़े आराम से 2 से 3 लाख रुपये में मिल जाएगी। आपको ये मशीनें आप लेना चाहो तो इंडिया मार्ट से ले सकते हो। इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है जिसके अंदर अच्छी अच्छी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें मिलती हैं, अच्छी रेंज में मिलती हैं, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो शहर के अंदर आप थर्माकोल की मशीन लगाइए, कप बनाने की मशीन लगाइए, थर्माकोल की प्लेट बनाइए, और इनका जो डिमांड है शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मार्केट बड़ा रहता है शहर के अंदर, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो आप बड़े आराम से इसमें अच्छा खासा पैसा कमाइए और इन बिजनेस को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये टॉप 5 बिजनेस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। दोस्तों, ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसके अंदर शहर के अंदर आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, और इन बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है शहर के अंदर, और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा कम है ही। तो इस तरीके से आप शहर में इन 5 बिजनेस में से कोई सा भी एक बिजनेस कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा हो,
और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा बिजनेस ज़्यादा अच्छा लगा इसके अंदर से, और आप कौन सा बिजनेस शहर के अंदर आके करना चाहोगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, दूसरों की मदद कीजिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं शहर में आके, वो बिजनेस आप करें और अच्छा खासा पैसा कमाएं, अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।